धार आबकारी विभाग ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, आबकारी विभाग ने अवैध शराब का परिवहन करते हुए पिकअप और बोलेरो वाहन से करीब 100 पेटी देशी शराब जब्त की है। वहीं 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मुखबिर की सूचना पर धर्मपुरी, कुक्षी, मनावर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध देशी शराब का परिवहन करते हुए धार जिले के धर्मपुरी थाना अंतर्गत तारापुर रोड से बोलेरो वाहन से 20 पेटी देशी शराब की जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी दिनेश और सुर सिंह को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही के बाद आबकारी विभाग ने दूसरी कार्यवाही करते हुए पिकअप वाहन से 80 पेटी देशी शराब की जब्त की है और 1 आरोपी रंजीत को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही के दौरान सबल नामक आरोपी मौके से फरार हो गया। दोनों कार्यवाहियों में जब्त बोलेरो और पिकअप वाहन सहित 100 पेटी देशी शराब की कीमत 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। कल रात जो है 11-12 के दरमियानी रात जो है तारापुर गांव के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके एक बोलेरो वाहन MP09BD2346 और एक पिकअप वाहन MP09GG5497 को रोका गया। तो बोलेरो से जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिनेश चुन्नीलाल निवासी बाग और सुर सिंह पिता हीड़ा निवासी गाजूटा डही। बोलेरो से 20 पेटी प्लेन मदिरा जब्त की गई जो जिसका प्रदाय क्षेत्र इंदौर था एवं पिकअप में जो है 1 आरोपी रंजीत पिता कुंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया एवं सबल पिता नानका निवासी कनेरी जोबट मौके से फरार हो गया। उक्त वाहन में जो है सब्जी के जो प्लास्टिक के कैरेट आते हैं उनके नीचे छुपा कर रखी हुई 80 पेटी प्लेन शराब जब्त किया गया। यह शराब का भी प्रदाय क्षेत्र इंदौर था। वाहन एवं मदिरा की कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपियों द्वारा बताया गया है कहाँ माल देना था, किसको देना था, उसको आगे अनुसंधान किया जा रहा है जिसमें आगे अन्य गिरफ्तारियाँ होंगी। ठीक है।